राघव जुआल इन दिनों फिल्म किल की वजह से काफी चर्चा में है। इसमें वो विलेन के रोल में नजर आए थे। फिल्म और उनके काम दोनों को ही खूब सराहा गया। इससे पहले वो सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान में भी बतौर एक्टर नजर आए थे। हालिया इंटरव्यू में राघव ने बताया कि किल और किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग एक साथ हो रही थी। उन्होंने किल के लिए भी कमिटमेंट दे दिया था। राघव की उस फिल्म के साथ कुछ ऊंच नीच ना हो, इसके लिए सलमान ने अपनी फिल्म की डेट्स में बदलाव किए थे। जब ये बात राघव को पता चली तो वो शर्मिंदा हो गए थे। मैशेबल इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में राघव ने किल और किसी का भाई किसी की जान की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए कहा, मैं पागल हो गया था। भाई यानी कि सलमान खान ने किल की वजह से डेट्स में बदलाव कर दिए थे। उस वक्त मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। हालांकि मैंने दोनों फिल्मों को मैनेज कर लिया क्योंकि मैं किल को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने इस फिल्म के लिए खूब मेहनत की थी। इस बातचीत में राघव ने आगे बताया, किल के कमिटमेंट और किसी का भाई किसी की जान के रोल के बीच में बैलेंस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क था। हालांकि किसी का भाई किसी की जान में काम करने में काफ़ी मज़ा आया। ये एक्सपीरियंस किसी एम्यूजमेंट पार्क की तरह था, खासकर सलमान खान के साथ काम करना। राघव ने यह भी बताया कि वो सलमान के फार्म हाउस पर भी 2 दिनों तक रुके थे। वहाँ उन्होंने स्विमिंग की और खूब डर्ट बाइक चलाई। राघव ने यह भी कहा कि सलमान के साथ काम करना हमेशा यादगार एक्सपीरियंस होता है। किसी का भाई किसी की जान की डेट्स में बदलाव करने पर राघव ने उनका आभार भी व्यक्त किया। किल में राघव जुआल के साथ लक्ष्य ललवानी और तान्या मनिकतला भी अहम रोल्स में थे। फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 20.90 करोड़ रुपए की कमाई की है। किल को कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी खूब सराहना मिली थी। इसके अलावा जॉन विक के मेकर्स ने किल के रीमेक राइट्स भी खरीद लिए हैं। वो इस फिल्म को हॉलीवुड में रीमेक करेंगे। बात करें सलमान खान की तो इन दिनों वो अपनी फिल्म सिकंदर की शूटिंग में काफ़ी बिजी हैं। इसमें उनके साथ रश्मिका मंदना, सत्यदेव और प्रतीक बब्बर जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे। फिल्म को AR मुर्गदास डायरेक्ट कर रहे हैं। सिकंदर 2025 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि सलमान जल्द ही एटली और सिद्धार्थ आनंद के साथ भी फिल्म करने जा रहे हैं। ये जानकारी जुटाई है मेरे साथी शशांक ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं रन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।